देखिए, ऐसा है कि एक तो इस जजमेंट की बारे में बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अभी आरुषि के केस का ले लें कि आरुषि की हत्या हुई और सीबीआई प्रूफ नहीं कर पाई, तो हम ये नहीं कह सकते कि आरुषि की हत्या हुई ही नहीं। क्रिमिनल ट्रायल में यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जहां तक बात है कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में कहा था कि यह ऑर्गेनाइज्ड लूट था। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी 123 लाइसेंस थे उस सब को क्वैश किया, उनको उनको निरस्त कर दिया। ये कांग्रेस के लोग किस दुनिया में रहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे लाइसेंस देने में घपला हुआ और इस कारण से मैं सारे लाइसेंस को बदल रहा हूं। आप टूजी सा कर रहे हैं अपना बचाव करने के लिए, कितनी छोटी सोच है आपकी कांग्रेस की। बात को बीजेपी की बात आप रखिएगा। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप जब बात कर रहे थे मेरी बात सुनिए। अभी क्या है कि ये मैटर ट्रायल कोर्ट ने दिया है, ट्रायल कोर्ट के बाद ये मसला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तब जाकर के ये तय होगा कि क्या ये कोई इन पर क्रिमिनल ट्रायल सही चला या गलत चला। लेकिन कांग्रेस के लोग, इवन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, उन्होंने एडमिट किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने कहा था कि कोएलिशन कंपल्शन है। छोटी सी बात बताइए राजीव पांडे, छोटी सी बात मैं समझना चाहूंगा सर। तकरीबन 4 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है और ये कहा गया कि जितनी भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं सब अब तक के दौर में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा फ्री माहौल आपकी गवर्नमेंट में उनको मिल रहा है। अगर आपकी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा फ्री माहौल मिल रहा है तो उसके बावजूद क्यों सबूत इकट्ठा करने में या सबूत पेश करने में जांच एजेंसीज नाकामयाब रहती हैं? क्या सबूत नहीं है सर? अगर सबूत नहीं है तो फिर इतने लंबे वक्त तक कैसे लोगों को प्रताड़ित जेल में रखा गया? मैं बता रहा हूं जी, हम सुन रहे हैं, आप सुनाइए। 2011 में चार्जशीट फाइल हो गई जी, 2011 में चार्जशीट फाइल हो गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इज ए केज्ड पैरेट, तो सीबीआई का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने। इस अगर अब मैंने सर, अब तो आपकी गवर्नमेंट है ना, चार्जशीट 2011 में फाइल हुई, तब हमारी सरकार नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन का काम 2011 में तय हो गया था जी। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है 2011 में जी, उससे पहले चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। सारे आंकड़े तो टीवी दिखा चुका है, बता चुका है प्रवक्ता महोदय, देश जान।